अपनी जादुई आवाज से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाली बॉलीवुड की सिंगिंग स्टार सुनिधि चौहान आज अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। सुनिधि का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ था। सुनिधि ने 4 साल की उम्र से ही गाने की शुरुआत कर दी थी और फिल्मों में 11 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी आवाज का जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था। अपनी खनकदार आवाज के दम पर सुनिधि बॉलीवुड की बेहतरीन सिंगर बनकर उभरी। हिंदी के अलावा सुनिधि ने मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगाली, असमी, नेपाली और उर्दू में भी गाने गाए हैं और हर भाषा में सुनिधि ने गाना गाकर अपनी अनोखी आवाज से लोगों का दिल जीता है। वही अपने गानों के अलावा सुनिधि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही है। उन्होंने 2 बार शादी की है और खास बात ये है कि दोनों बार उनके पति की उम्र उनसे लगभग 14 साल ज्यादा रही। छोटी सी उम्र में ही अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाली सुनिधि चौहान ने शादी भी बहुत जल्दी कर ली थी। सुनिधि ने मात्र 18 साल की उम्र में मशहूर कोरियोग्राफर बॉबी खान से शादी की थी। बॉबी खान मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर अहमद खान के भाई हैं। सुनिधि और बॉबी के नजदीक यह सॉन्ग पहला नशा के सेट पर बड़ी थी, जिसके बाद दोनों ने काफी वक्त तक एक दूसरे को डेट किया, फिर शादी करने की प्लानिंग करने लगे। हालांकि सुनिधि का परिवार उनकी शादी बॉबी से कराने को तैयार नहीं था। इसकी 2 वजह थी। एक तो बॉबी सुनिधि से 14 साल बड़े थे और दूसरी वजह ये कि वो अलग धर्म से थे। हालांकि 2002 में सुनिधि ने परिवार के खिलाफ जाकर बॉबी से शादी कर ली और उनके साथ रहने लगी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद सुनिधि और बॉबी के बीच मतभेद होने लगे, जिसके बाद दोनों ने 2003 में अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया। सुनिधि ने एक बातचीत में अपने टूटे रिश्ते के बारे में कहा था कि वो और बॉबी जिंदगी में अलग अलग चीजें पाना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। बॉबी से तलाक के बाद लगभग 10 साल तक सुनिधि ने करियर पर फोकस किया और फिर इसके बाद उनकी जिंदगी में संगीतकार हितेश सोनेक उनका दूसरा प्यार बनकर आए। हितेश सोनेक एक म्यूजिक कंपोजर हैं जो प्यार का पंचनामा 2, माई फ्रेंड पिंटू, मांझी द माउंटेन मैन, स्टेनली का डब्बा और काय पोचे जैसी फिल्मों को म्यूजिक दे चुके हैं। हितेश सुनिधि के पुराने दोस्त रह चुके हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में दोनों ने अपनी दोस्ती को प्यार का नाम दिया और फिर 2012 में दोनों ने शादी कर एक दूसरे को अपना हमसफर बना लिया। गौर करने वाली बात तो ये है कि सुनिधि के पहले पति बॉबी की तरह हितेश सोनेक भी उनसे उम्र में लगभग 14 साल ही बड़े हैं। वहीं हितेश सोनेक से शादी करने के 6 साल बाद सुनिधि को मां बनने का सुख प्राप्त हुआ और साल 2018 में उन्होंने बेटे तेग को जन्म दिया। हालांकि बेटे के जन्म के बाद सुनिधि और हितेश के रिश्ते में दरार की खबर अक्सर आती रही है। 2021 में सुनिधि ने एक बातचीत में इस बात की पुष्टि की थी कि उनके और हितेश के रिश्ते में दरार आ गई थी। हालांकि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और सुनिधि अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल जीवन जी रही हैं। सुनिधि चौहान के गानों की बात करें तो उन्होंने कई गानों को अपनी आवाज देकर सिर्फ हिट ही नहीं सुपर हिट किया है। सुनिधि के गानों का फैंस इंतजार करते हैं। पार्टी से लेकर रोमांस और पॉप से लेकर 60 सॉन्ग्स तक सुनिधि ने हर तरह के गाने गाए हैं। सुनिधि की हिट लिस्ट में ए वतन, महबूब मेरे, मुझसे शादी करोगी, जीने के हैं 4 दिन, क्रेजी खियारे, रुकी रुकी, डांस पे चांस, कमली, शीला की जवानी, इश्क सूफियाना, बीड़ी जलाई ले, देसी गर्ल, भागने मन जैसे गाने शुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 24।